आज मैं शेयर कर रही हूँ एक ऐसी चटनी जो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी है, सुपर टेस्टी। आप इसे पकोड़े के साथ, समोसे के साथ, आलू पराठा के साथ या फिर कचौड़ी के साथ, किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं। और सर्दी का मौसम है, ऐसे में चटनी तो चाहिए होता हमें खाने के लिए। तो चलिए इसे बनाते हैं। हमने यहाँ पर लिया है कुछ लहसुन, अदरक और हरी मिर्च। इन सबको हमने साफ़ कर लिया है और इसे मिक्सी के जार में डाल देते हैं। अब हमें चाहिए 2 चम्मच भुना हुआ चना। तो मैं यहाँ पर ले रही हूँ इस तरीके का भुना हुआ चना जो मार्केट में अवेलेबल होता है, पैकेट में बंद करके इस तरीके का चना मिलता है भुना हुआ। अगर आपके पास चना का भूंजा है तो उसे भी ले सकते हैं ऊपर का छिलका हटाकर, या फिर हमारे घर में जो चना का दाल होता है उसे भी आप भून कर पानी से साफ करके और इस चटनी के लिए ले सकते हैं। अब इसमें हमें थोड़ा सा नारियल भी चाहिए, तो मेरे पास अभी नारियल है नहीं, उसका पाउडर है, तो मैं वही 1 चम्मच ले रही हूँ। अगर आपके पास ताज़ा नारियल है तो ले सकते हैं, या फिर गोला है नारियल का तो उसे भी कट करके थोड़ा सा ले सकते हैं। अब नारियल आपके पास या नारियल का पाउडर या सूखा नारियल नहीं है तो क्या करें, तो आप यहाँ पर 2 चम्मच मूँगफली को भून करके, मतलब भुना हुआ मूँगफली इसमें ले लीजिए, उससे भी इस चटनी का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अब इसमें मैं डाल रही हूँ थोड़ा सा ये अचार, आम का अचार है ये, और गुठली मैंने हटा दिया है इसमें से। आप चाहें तो इसकी जगह नींबू का रस ले सकते हैं, या फिर थोड़ा सा दही भी इसमें आप डाल सकते हैं हल्का सा खट्टेपन के लिए। अब लास्ट में जाएगा इसमें खूब सारा धनिया का पत्ता, ताज़ा धनिया का पत्ता, और इसे अच्छे से हमने साफ़ कर लिया है, और लास्ट में इसे डालकर इसे हम पीस लेंगे। हल्का सा पानी ऐड करेंगे अभी, ज़्यादा नहीं, बीच में थोड़ा सा चलाकर हम चेक कर लेंगे एक बार कि कितनी इसमें और ज़रूरत है पानी। तो ये देखिए इसमें थोड़ा सा पानी और डलेगा, और अब डालेंगे इसमें हम नमक। तो अब इसे हम एक बार फिर से चला लेंगे, और ये देखिए ये चटनी बिल्कुल तैयार है। अब आप इस चटनी को ऐसे भी खा सकते हैं कि इसमें अभी ही थोड़ा सा सरसों का तेल, कच्चा सरसों का तेल ऐड कर दें और मिक्स करके आप इसे सर्व कर सकते हैं लिट्टी के साथ, आलू पराठे के साथ, समोसा के साथ, जो भी आप खाना चाहें उसके साथ इसे सर्व कर सकते हैं। लेकिन हम इसमें लगाएंगे अभी तड़का, तो तेल को खूब गर्म होने दें, सरसों का तेल लें, और तेल खूब गर्म होने के बाद इसमें डालेंगे थोड़ा सा काला सरसों और थोड़ा सा जीरा। जीरा काला सरसों हमने इसमें डाल दिया है। जब तड़का एकदम से रेडी हो जाए, हटाने के टाइम डालेंगे 2 कड़ी पत्ता और तुरंत हटाकर चटनी में इस तरीके से डाल देंगे। तो ये चटनी अब तैयार है खाने के लिए। जब दिल करे इस चटनी को बनाइए, अपने खाने को, अपने स्नैक्स को स्पेशल टच दीजिए। मिलती हूँ अगले वीडियो में अगली रेसिपी के साथ। तब तक अपना ध्यान रखें, खुश रहें, टेक केयर एंड बाय बाय।